जयपुर के सिद्धार्थ नगर स्थित वात्सल्य रत्नाकर भवन में दस लक्षण महापर्व के पावन अवसर पर 19 सितंबर से भव्य आयोजन की शुरुआत हुई। सौभाग्यशाली श्रावकों ने विधि विधान से उत्तम क्षमा धर्म की गतिविधियों में सहभागिता की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 19 से 28 सितंबर के मध्य है जयपुर के सिद्धार्थ नगर स्थित वात्सल्य रत्नाकर भवन में दशलक्षण पर्व की भव्य शुरुआत हो चुकी है। सौभाग्यशाली भक्तों ने इस मांगलिक आयोजन में सहभागिता कर प्रभु का नित्य मह पूजन कर कर्मों की निर्जरा की। आयोजन के संबंध में समिति के पदाधिकारियों ने विस्तार से कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। सकल दिगंबर जैन समाज सिद्धार्थ नगर के सहयोग से दस लक्षण महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत सारे के समाज बंधु पूजन का, अभिषेक का, नित्य पूजन का और दस धर्मों की पूजन का विधान पूजन करके आनंद ले रहे हैं। पूरा भक्ति में माहौल हुआ हुआ है। पूरा सिद्धार्थ नगर जैसे मानो यहाँ पर एक ऐसा माहौल बन गया कि इंद्र सभा यहाँ पर हो रही हो, सोधर्म इंद्र यहाँ पर बने, अनेक प्रकार के इंद्रों को यहाँ पर हमने बनाया इस विधान पूजन के लिए। श्री दिगंबर जैन महावीर स्वामी खंडकान सम्मति के तत्वाधान में ये 10 दिवसीय जैन जो प्रदूषण पर्व है ये बड़े धूमधाम के साथ हमारी सभी साथियों द्वारा इसको बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि धर्म नगरी सिद्धार्थ नगर के अंदर धर्म नगरी बन गई हो। मेरे को बड़ा इस चीज़ से सभी लोग बड़े प्रफुल्लित हैं और मेरे को आज जो है ये सौ धर्म बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं सभी अपनी कमेटी के सभी अपने धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूँ। सौभाग्यशाली भक्त पारंपरिक ढंग से इस आयोजन में सहभागिता कर पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। पर्व के मांगलिक क्रम में धूप दशमी के पावन अवसर पर 24 सितंबर को मांगी तुंगी जी की सुंदर झांकी सजाई जाएगी। जैन फोकस के लिए जयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।